दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे 10 स्लोएस्ट एनिमल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रीटॉइड स्लॉथ के बारे में। थ्रीटॉइड स्लॉथ दुनिया का सबसे स्लोएस्ट एनिमल माना गया है। इसका नेटिव प्लेस अमेरिका है और स्लॉथ ज्यादातर अपनी जिंदगी ट्रीज के ब्रांचेस पर ही बिताते हैं। स्लॉथ दिन में तकरीबन 15 से 20 घंटे सोते हैं और फीमेल स्लॉथ को एक समय पे एक ही बेबी होता है जिसका प्रेगनेंसी पीरियड 5 से 6 महीने का होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉथ के लिए तकरीबन 12 महीने का होता है। स्लॉथ ज्यादातर लीव्स को कंज्यूम करते हैं और उन्हें कंज्यूम करने के लिए उनके पास 4 स्टमक है और वह लीव्स को बैक्टीरिया के साथ ही कंज्यूम करते हैं और डाइजेशन पीरियड को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 25 दिन लगता है। थ्रीटॉइड स्लॉथ की हाइट 58 सेंटीमीटर से लेकर 68 सेंटीमीटर, वेट 8 केजी और स्पीड 0.0048 किलोमीटर पर आवर। और वैज्ञानिकों का मानना है कि थ्रीटॉइड स्लॉथ सिर्फ 15 से 20 साल तक ही जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टारफिश के बारे में। पूरी दुनिया में 1500 से भी ज्यादा स्टारफिश को एनालाइज किया है। स्टारफिश ज्यादातर 20,000 फीट नीचे समंदर के अंदर पाया जाता है। स्टारफिश के पास ना तो ब्रेन होता है और ना ही ब्लड। अगर हम स्टारफिश को पीसेस में कट कर दें तो पर पीस अलग स्टारफिश में ग्रो होगी। स्टारफिश एक पावरफुल हंटर है और वह ज्यादातर क्लैम्स, ऑयस्टर, सैंड डॉलर्स को कंज्यूम करती है और इसके अलावा स्नेल और इंजर्ड फिशेस को भी कंज्यूम करती है। स्टारफिश की हाइट 5 इंचेस से लेकर 10 इंचेस, वेट 5 केजी और स्पीड 0.032 किलोमीटर पर आवर। और वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टारफिश सिर्फ 35 ईयर्स तक ही जिंदा रह सकती है। अब हम बात करेंगे गार्डन स्नेल के बारे में, जिसका नेटिव प्लेस यूरोप है लेकिन अभी दुनिया के हर कोने में पाया जाता है जहां पर भी क्रॉप्स और गार्डन होता है। गार्डन स्नेल एक हर्बीवोरस एनिमल है, इसलिए वह ज्यादातर प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं। मैटिंग प्रोसेस के समय बोथ मेल और फीमेल के स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही 100-100 अंडे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी है जो तकरीबन 400 अंडे देती है और ठीक एक महीने के बाद उन अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। गार्डन स्नेल की हाइट 0.9 इंच से लेके 1.3 इंचेस, वेट 25 से लेके 45 ग्राम और स्पीड 0.047 किलोमीटर पर आवर। और वैज्ञानिकों का मानना है कि गार्डन स्नेल सिर्फ 2 से 3 साल तक ही जी सकती है, लेकिन अगर लार्जर स्पीशीज हुई तो 10 साल तक जी सकती है। अब हम बात करेंगे जायंट टॉर्टोइस के बारे में। जायंट टॉर्टोइस एक वर्टिब्रेट एनिमल है और दुनिया का सबसे लंबा जीने वाला प्राणी है। और जायंट टॉर्टोइस ज्यादातर सेंचेलिस और गलापागोस आइलैंड पर पाया जाता है। जायंट टॉर्टोइस ज्यादातर वेटलैंड और ग्लासलैंड पे यहाँ पर पाए जाते हैं। जायंट टॉर्टोइस के पास ज्यादातर पानी कंज्यूम करने की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से वह 1 साल तक बिना खाए पिए रह सकता है। जायंट टॉर्टोइस एक हर्बीवोरस एनिमल है और जायंट टॉर्टोइस का फेवरेट फूड कैक्टस है और इसके अलावा फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स और ग्रासेस को भी कंज्यूम करते हैं। जायंट टॉर्टोइस दिन में तकरीबन 16 घंटे सोते हैं। जायंट टॉर्टोइस की हाइट 5 फीट, वेट 350 किलोग्राम और स्पीड 0.32 किलोमीटर पर आवर। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जायंट टॉर्टोइस सिर्फ 100 से 150 साल तक ही जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोयला बैर के बारे में। कोयला बैर जिसका नेटिव प्लेस ऑस्ट्रेलिया है और कोयला बैर दिन में तकरीबन 20 घंटे सोते हैं। कोयला बैर का प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 35 डेज है और फीमेल कोयला बैर एक समय पे 1 से 2 बेबी को जन्म देती है और उन बेबीज को जॉय कहते हैं। कोयला बैर ज्यादातर इक्विपेटस लीव्स को ही कंज्यूम करते हैं। कोयला बैर की हाइट 24 से लेकर 33 इंचेस, वेट 4 से लेकर 15 किलोग्राम और स्पीड 3.21 किलोमीटर पर आवर। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला बैर सिर्फ 13 से 18 साल तक ही जी सकते हैं।